Hello, dear brother and sisters. Here, the speaker, KP sir. Once again, come to my class. So, are you ready? Yes, sir. So, okay, let us start today's class. Directly, I wanna teach you. But before learn you, please subscribe my channel. The name of my channel, the speaker, KPR. Let us start today's class. Today, I wanna teach you a very important point. The point is, I'm writing here. A formula, I am going to give you a formula. I am writing the formula. SUB, subject plus could, CULD, could plus perfect infinitive, PERFECT, perfect infinitive, perfect infinitive. I am infinitive, perfect infinitive plus dot 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 dot. So directly I wanna teach you, practically I want to teach you so that you can understand very nicely, which will help you to speak the English language and to write something in English. आप लोग को डायरेक्ट मदद मिलेगा. डायरेक्ट यह क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लिखना है. नंबर वन एग्जांपल, एग्जांपल विल मेक यू क्लियर. जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी लिख सकता हूँ हम, लेकिन मैं आई से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ. आई लिखा, देखो आई सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कुड, सी ओ यू L D, could, I could हो गया. अब क्या लिखना है हमें, perfect infinitive लिखना है. तो अब question हुआ कि perfect infinitive क्या है. So what is the perfect infinitive? Perfect infinitive मैं directly बोलना चाहता हूँ क्या है कि एक क्या लिखना है आपको, have लिखना है. क्या लिखना है, have plus V3. ये जो have plus V3 है, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, have plus V3. ये जो have plus V3 है, डायरेक्टली मैं समझा ला सकता हूँ, है प्लस V3. जैसे कि है प्लस V3 मतलब है, सपोज PLAYED, है प्लेट, ये V3, V3 मतलब फट फट फ्रॉम. जैसे कि है इनवाइटेड, है इनवाइटेड, इसे नहीं. जैसे कि और लिख सकते हैं हम, जैसे कि है इटेन, EATEN, have eaten. मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है. have, suppose क्या लिखेंगे, have two hard put done third from me, have done. जैसे कि क्या लिखेंगे, have given, had given. मतलब क्या है, perfect infinitive बोले तो have plus V3 directly, have plus V3. जैसे कि have played, have invited, have eaten, have done, have given. So like that, this will known as perfect infinitive. In a different class, I will teach you, and I already taught what is perfect infinitive. So here directly I wanna show you. यह direct दिखा रहा हूँ मैं, ताकि कम समय पर हम इस formula को सीख सके. चलो formula का sentence complete करते हैं. अभी क्या लिख रहा था हम, I could. अभी perfect infinitive लिखना है, जिसके perfect infinitive मतलब सपोज उसमें से कोई भी एक ले लो, हैव गिवन. सपोज आई हैव, क्या आ गया उसमें, आई हैव गिवन, जी आई वी ई एन, आई कुड हैव गिवन. और भी हम उस कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, आई कुड हैव गिवन यू सपोज सम मनी, आई कुड हैव गिवन यू सम मनी, मतलब मैं आपको कुछ पैसा दे सकता था. मीनिंग को समझिए, आई कुड हैव गिवन यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसा दे सकता था. क्या मैं पैसा दिया, रिजल्ट हमको मालूम नहीं. अगर आप मुझे बताते, अगर आप मुझसे मांगते, तो मैं आपको कुछ पैसा दे सकता था, ऐसा है. चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए. So, आप लोग को मालूम हो चुका है अभी के परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या है.
है प्लस भी थ्री को परफेक्ट इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। अभी देखो नंबर टू लिखेंगे U, देखो U, उसमें क्या आ गया फॉर्मूला कोड। मैं प्रिंटेड लेटर लिख रहा हूँ यार, देखिए मैं हमेशा प्रिंटेड लेटर ही लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। U कोड फॉर्मूला से क्या आएगा है, उसके बाद क्या आएगा फी थ्री, जैसे कि गिवन था उसमें देखो U कोड है इनवाइट लिखते I N V I T E D इनवाइट इनवाइटेड। You could have invited us. तुम हमको invite कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। उसका meaning ऐसे है। You could have invited us. You could have यहाँ लिखा हुआ है देखो। You could have invited us. आप हमें invite कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार और sentence लिखेंगे। देखो three. Three. They could have, they could have, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं क्योंकि हमें स्पोकन इंग्लिश बोलना है और इंग्लिश लिखना है। they could have सपोज go when, थर्ड फॉर्म क्या होता है gone, they could have gone deer, वे लोग वहां जा सकते थे, they could have gone there, we were लोग जा सकते थे। नंबर फोर लिखेंगे देखो, we could have क्या हुआ, we could have helped, H E L P E D, we could have helped you, we could have you, हम तुम्हें मदद कर सकते थे, लेकिन हमको मालूम ही नहीं था कि तुम्हें मदद चाहिए था, तुम प्रॉब्लम में थे, उस प्रकार का है। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है, लेकिन कारण एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसा एक्शन है जो हम कर सकते थे। हिंदी समझ लीजिए तो आसान होगा समझने में, कर सकते थे, हो सकते थे, उसका मीनिंग यह है, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ। जैसे कि सी, she could have, उसमें देखो ये सी है इसमें हैस होगा, ऐसा नहीं है, बहुत मिस्टेक कर देते हैं अक्सर। she could have, she could have सपोज राइट रूट क्या है थर्ड फ्रॉम रिटेन, she could have written a letter, वो एक लेटर लिख सकती थी लेकिन नहीं लिखा, उसका मतलब she could have written a letter, वो एक लेटर लिख सकती थी। नंबर सिक्स, जैसे कि we, हाँ we बार बार लिख रहे हैं, अभी दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि the man could have, the man could have informed us, वो आदमी हमें इन्फॉर्म दे सकते थे, द मैन कुड हैव इन्फॉर्म अस, वो आदमी हमको क्या कर सकते थे इन्फॉर्म कर सकते थे। देखो नंबर सेवन, द स्टूडेंट, सिंग एक स्टूडेंट देने से एक स्टूडेंट अगर एस लगाएंगे कि प्लूरल नंबर हो गया, द स्टूडेंट कुड हैव, द स्टूडेंट could have suppose arrive in time, student time पर आ सकते थे, the student could have arrived in time। जैसे कि number eight, जैसे कि हम क्या लिखते हैं उस भी लिख सकते, एक नाम लिखते हैं, जैसे कि राकेश कुड है, राकेश कुड है ड्रिंक ड्रैंक ड्रांक द कप ऑफ, ड्रिंक द कप ऑफ मिल्क, ड्रिंक द कप ऑफ मिल्क, क्या राकेश कुड है ड्रिंक ड्रैंक ड्रांक, ये ड्रैंक नहीं ड्रांक होगा,
हार्ट फ्रॉम राकेश वुड हैव ड्रंक द कप ऑफ मिल्क। ये मिल्क का जो कप है राकेश आ है तो ड्रिंक कर सकते थे। ये ऐसा ही एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को बार बार आप लोग देखिए, बार बार समझने के लिए कोशिश कीजिए और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है और ऐसे ही आप लोगों को सीखना है। सबसे पहले क्या करना है कि एक क्या रखेंगे आप लोग कुछ भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो आई वी सी ही सी जूडो मोडो, उसके बाद क्या लिखेंगे कूड हो गया और पार्ट में इन्फिनिटिव बोले तो ये है हैव गिवन, हैव के पीछे हार्ट हार्ट फ्रॉम, हैव इनवाइटेड देखो, हैव गन, हैव हेल्प, हैव रिटेन, हैव इनफॉर्म। ये जो इनफॉर्म हो रहा है उसमें ईडी सा है, उसमें मिस्टेक हो रहा था, हैव इनफॉर्म ठीक है। उसके बाद देखो हैव अराइव, उसमें भी डी सा है, देखो हमने करेक्शन कर दिया, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ऐसे कहा जाता है एसामिस में डायलॉग है ऑस्ट्रियो पिसोले पाओ और जुनेरो बोले नाउ द मिस्टेक टीच्स अस ए लेसन, मिस्टेक भी हमको कभी कभी सिखा देते हैं। देखो हैव अराइव इन टाइम, ये देखिए ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप लोग समझिए और ऐसे ढेर सारा एग्जांपल आप लोग खुद कलेक्शन कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए, तब जाकर ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा। सो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा ये जो चैनल है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये इंग्लिश सीखने का मौका मिले। टू हेल्प अदर इज ए गुड हैबिट, दूसरों को मदद करना एक अच्छा हैबिट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सीखने को मौका मिले। सो थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास।